चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। अभी तक मैट्रिक्स के बारे में हल्का फुल्का हमने सीखा है। पिछला वीडियो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बनाया था। अब ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बेसिकली अगर आपके अकॉर्डिंग देखें हम, तो आपके सिलेबस में टोटल 6 मैट्रिक्स दे रखी हैं। एक होती है रो मैट्रिक्स, तो बिल्कुल नाम से ही क्लियर होगा, इनके बिल्कुल आसान है सारी चीज़ें, इनके नाम से ही क्लियर हो जाएगा। रो मैट्रिक्स क्या होगी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ज़्यादा रटना नहीं है, बस आपको सीधा सीधा समझोगे, हैविंग वन रो, यानी इस टाइप की मैट्रिक्स। जैसे इस तरीके से बना दे 2, 5, 7, 4, तो इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। जैसे इसके अगर ऑर्डर की बात करें तो 1 × 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें रो तो 1 है, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टली ऐसे काउंट करें 1, 2, 3, 4, तो इसका ऑर्डर 1 × 4 मिलेगा, क्योंकि कॉलम 4 है और रो इसमें 1 है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, उसे बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी आप कह सकते हो, क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, वर्टिकल नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी होगी जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, सिर्फ एक कॉलम बना दोगे आप इस तरीके से, तो इसमें सिर्फ एक कॉलम है, और रो अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली काउंट करो तो रो 3 बनी हुई है, इसलिए इसका ऑर्डर 3 × 1 होगा। यानी स्पेशली ध्यान दोगे, रो मैट्रिक्स 1 से स्टार्ट होगी, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 पर एंड होगा। ओके, तो रो मैट्रिक्स क्लियर है जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स भी नाम से ही क्लियर होगी। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो। लेंथ यानी रो, ब्रेथ मतलब कॉलम, मतलब क्या कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स उसे बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर इस टाइप का होगा, या तो 1 × 1 होगा, या 2 × 2 होगा, या फिर 3 × 3 होगा, मतलब जितनी रो उतने ही कॉलम। अगर एक रो है तो एक कॉलम, दो रो है तो दो ही कॉलम, तीन रो है तो 3 कॉलम। आपके सिलेबस में यही है, होती तो 4 × 4, 5 × 5 कहीं तक कर लो, लेकिन आपको मैक्सिमम 3 × 3 तक की देखने को मिलेगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर है। अब आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ से ध्यान से समझना, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं ये सारी की सारी, यानी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होगी, स्केलर है वो भी स्क्वायर होगी, ये एक दूसरे को बिलोंग करती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताई? कि जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। ओके, अब डायगोनल समझते हैं, डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल को समझने के लिए बोर्ड पर मैंने 2 स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 होगा, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 3 होगा। तो जो डायगोनल होता है, डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल आपने सुने होंगे, जैसे ये स्क्वायर हुआ, स्क्वायर का एक डायगोनल ये होता है, एक ये होता है, ठीक है। जो जनरल स्क्वायर है उनके तो 2 डायगोनल होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के केस में हम सिर्फ इस वाले को ही डायगोनल कंसीडर करते हैं, वो जो उधर से आएगा उसे आप डायगोनल नहीं मानेंगे। मैट्रिक्स में हम सिर्फ इसी को प्रिंसिपल डायगोनल बोल सकते हैं, ये वाला। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? वे एलिमेंट जो डायगोनल पर स्थित होंगे। जैसे इसके लिए इधर इधर इस कॉर्नर वाले जो एलिमेंट हैं, जैसे 2 और 7, तो इसके डायगोनल एलिमेंट होंगे 2 और 7 2 और 7। अगर हम इसकी बात करें तो इसके डायगोनल एलिमेंट होंगे 3, 2 और 0, यानी जितना ऑर्डर है डायगोनल एलिमेंट उतने ही होंगे। जैसे 2 × 2 है ऑर्डर, तो डायगोनल एलिमेंट 2 होंगे, 3 × 3 है तो डायगोनल एलिमेंट 3 होंगे। ओके, यानी लेफ्ट अपर कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर के बीच में ये जो एलिमेंट आएंगे, ये सब डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, अब समझो। डायगोनल एलिमेंट आया समझ में? डायगोनल एलिमेंट ये वाले जो इधर से इधर, इस पर जितने भी पड़ेंगे, 3 × 3 है तो 3 होंगे, 2 × 2 है तो 2 होंगे, ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स समझो, जैसे बोर्ड पर एक मैट्रिक्स मैंने बनाई, इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हैं, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सबके सब जीरो हैं, सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट। इन 3 एलिमेंट को देखो, ये 3 एलिमेंट डायगोनल में आए, इनके अलावा और जितने भी बचे वो सबके सब जीरो हो गए। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हों और डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। और इसको बुक में आपको इस तरीके से लिखा मिल सकता है, डायग
3-1, 5 कहीं आपको ऐसे लिखा मिले बाहर ये डायगनल वर्ड या DIAG करके लिखा मिले तो समझ जाना कि वो डायगनल मैट्रिक्स है जिसके डायगनल एलिमेंट 3-1 और 5 हैं। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स बना लोगे, या फिर कहीं पर आपको ऐसे लिखा मिले डायग 2-7 तो आप इससे भी एक मैट्रिक्स बना लोगे। इसका मतलब ये है कि ये 2×2 की एक मैट्रिक्स है जिसके डायगनल एलिमेंट 2 और 7 हैं और बाकी एलिमेंट 0 हैं, तो बाकी एलिमेंट ये बचेंगे। तो इस टाइप की मैट्रिक्स कहलाती है डायगनल मैट्रिक्स। क्लियर है? जिसके डायगनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे और उसके अलावा बाकी नॉन डायगनल एलिमेंट सब 0 होंगे। ओके, अच्छा डायगनल एलिमेंट के लिए एक और खासियत होती है, AIJ इज कॉल्ड डायगनल एलिमेंट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, इफ आई इक्वल टू जे, मतलब डायगनल एलिमेंट जैसे इसे आप रीड करो, ये A11 होगा, ये पहली रो का पहला है मतलब A11 है, ये A22 होगा और ये A33 होगा। तो डायगनल एलिमेंट A11, A22, A33 इस तरीके से होते हैं। तो डायगनल एलिमेंट के लिए आई और जे की वैल्यू सेम रहती है। तो कभी भी अगर आपको कहीं लिखना हो कि ये डायगनल एलिमेंट है या प्रूव करना हो कि ये डायगनल एलिमेंट है तो आई बराबर जे प्रूव कर दो। तो डायगनल एलिमेंट के लिए आई और जे की वैल्यू इक्वल होती है, तो इसलिए हम डायगनल ये कह सकते हैं कि AIJ इज इक्वल टू 0 होगा इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, और ये इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉन जीरो होगा इफ आई इक्वल टू जे। तो इस तरीके की डेफिनेशन भी कुछ लिखी हुई है, मतलब क्या हुआ, छोड़ो खैर ये सब फालतू की बातें हैं, ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, डायगनल एलिमेंट और डायगनल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स कैसी होती है, मैं एक बना के दिखा देता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगी। स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके सारे डायगनल एलिमेंट सेम हो। अगर सारे डायगनल एलिमेंट सेम है तो वो स्केलर कहलाएगी। तो स्केलर मैट्रिक्स इस टाइप की मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके सारे डायगनल एलिमेंट सेम हो, जैसे इस टाइप की भी हो सकती है, इसके सारे डायगनल एलिमेंट सेम है, हो तो चाहे कुछ भी बट सारे सेम होने चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स। अब आ जाती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके सारे डायगनल एलिमेंट 1 हो, बाकी सब 0 हो। एक ऐसी डायगनल मैट्रिक्स, इनमें ध्यान देना, जब भी हम स्केलर, डायगनल, स्केलर और आइडेंटिटी इन तीन मैट्रिक्स की बात करें तो इनमें सिर्फ डायगनल एलिमेंट ही कंसीडर किए जाते हैं, बाकी सब के सब 0 रहते हैं। तो स्केलर हो तब भी बाकी सारे 0 होंगे, आइडेंटिटी हो तब भी 0 होंगे, बस डायगनल में तो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, स्केलर में हो तो कुछ भी सकते हैं बट सारे सेम होने चाहिए। सारे एक्स हैं तो एक्स हो, 1/3 हैं तो सब 1/3 हो। आइडेंटिटी में सारे 1 होने चाहिए, सिर्फ इतना फर्क है। ये हो सकती है, तो ये 3×3 की है, 2×2 की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं तो वो इस तरीके की बनेगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल आई लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से, ठीक है। तो ये कहीं 3×3 की हमें आइडेंटिटी लिखनी हो तो आप ऐसे लिखोगे, 2×2 की आइडेंटिटी लिखनी हो तो ऐसे लिखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी, सीख लेना। ये 3×3 की है, ये 2×2 की है। ओके, इतना ही यूज था बस इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। ये सब आपकी NCERT की बुक में दे रखी हैं। जैसे ही आप NCERT की बुक के पेज नंबर 61 से स्टार्ट करोगे, ऊपर ही हेडिंग लिखा हुआ है पेज नंबर 61 पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेना, सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी आपको। ओके, कर लेना इसे।